कोरबा में राम वन गमन पर्यटन रथ का मंगलवार को आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन परिपथ के तहत पर्यटन रथ के आगमन पर सबसे पहले कोसाबाड़ी चौक में भव्य स्वागत किया गया। पुराना बस स्टैंड में भी रथ का स्वागत किया गया। लोगों ने पूजा अर्चना कर भगवान राम के नारे लगाए। दोनों स्थान पर स्वागत कार्यक्रम में निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पार्षद व कांग्रेस परिवार के साथ साथ क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ और 14 वर्षों के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जी हमारे छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ स्थानों में गए और उनके चरण कमल पड़े, हमारी छत्तीसगढ़ की धरती धन्य हो गई। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारी कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि हमारे पुरानी संस्कृति जो है, हमारे प्रभु राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ राम गमन वन पथ का जो निर्माण किया जा रहा है, जगह जगह पौधे रोपे जा रहे हैं, साथ ही लोगों को ये एहसास हो जाए या जानकारी हो जाए कि प्रभु राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ लोगों की जानकारी में रहे। और इसी कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने चंद्रपुरी में माँ कौशल्या का मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं। तो निश्चित ही प्रभु राम सबके राम है, हर व्यक्ति के दिल में राम बसे हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु राम हर हिंदुस्तानियों को आशीर्वाद दें, प्रभु की कृपा हमारे हिंदुस्तान पर बनी रहे, हमारा छत्तीसगढ़ और तरक्की करे। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ सरकार की मैत्री योजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तारतम्य में आज ये पर्यटन रथ पूरे राम जी के वनगमन वाले मार्गों से होते हुए आज कोरबा में पधारी है। सबसे पहले हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने और क्षेत्र की गणमान्य नागरिक बंधुओं के द्वारा कोसाबाड़ी में इस रथ का स्वागत किया गया और उसमें लगी श्री राम जानकी की प्रतिमा पर सभी ने नारियल, फूल और अगरबत्ती के साथ पूजा अर्चना की। हम सभी लोग अत्यंत हर्षित हैं कि छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की ये महती योजना कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम जी के वनवास के समय में जहाँ जहाँ से उनके कदम पड़े, जहाँ जहाँ से उनका गमन हुआ, उसमें पर्यटन पथ बनाएगी, उसका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और आज इस पर्यटन रथ को कोरबा में हमने जगह जगह खुले मन से इस पर्यटन रथ का स्वागत किया और हम सब भी अत्यंत हर्षित हैं। आज हम यहाँ पर सीतामढ़ी, जो प्रणाम सीतामढ़ी है, यहाँ जो श्री राम प्राचीन श्री राम गुफा है, इस गुफा के सामने रथ आई हुई है और हमारे सभी साथी इस जगह पवित्र स्थल पर आए और प्रभु श्री राम जी की जो यहाँ मूर्ति पहले से बनी हुई है उस पर सभी ने पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली और शांति समृद्धि के लिए सभी ने कामना की है। और यहाँ से पर्यटन रथ आगे इसी दिन की तरफ निकल जाएगा। हम सब यहीं कोरबा के इस सीतामढ़ी से इस पर्यटन को सीता राम जी की मूर्ति को। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।